हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरा सावधान इंडिया चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चलिए हम व्हाइट फील्ड रोड में हैं और व्हाइट फील्ड रोड में आज एक कारपेंटर शॉप में आप पहुंचे हैं, जिसमें हमारा जो जितना भी हमारा घर का सब सामान बनता है, जिसमें हम सोते हैं, खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल, ये सभी उधर बनता है, टेबल बनता है। और ये लोग कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं, हम आज आपको देखिए। इधर काम चल रहा है और कारपेंटर शॉप है, ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और ये लोग अपना काम अपना सुबह से ही आरंभ स्टार्ट करते हैं और सुबह से लेके शाम तक उनका काम चलता है। और उनका काम ऐसा ही, मतलब हम जैसे काम के लिए कोई डर जाता है, हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये लोग अपना अपना मर्जी से जो कला उनको पता है वो कला के हिसाब में काम करते हैं और उसका काम करके हम लोगों के लिए काम करके हमारे लिए सभी कुछ बनाते हैं। तो चलिए हम दोस्तों एक हमारा कारपेंटर भाई से बात करेंगे, वो क्या बोलते हैं और उसका मशीनरी के बारे में हमको पता करना है, क्या क्या मशीनरी इधर यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। भैया नमस्ते, आपका नाम क्या है भैया? टुनटुन शर्मा। ओके, आप किधर से हैं? बिहार के हैं। बिहार से? तो आप इधर क्या क्या काम करते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर में क्या क्या बनता है इसमें? वास्कल, विंडो, हार्ट गोट, शटर। तो आपको आपको काम करते हुए कितना साल का एक्सपीरियंस है ये काम के ऊपर? वो तो 30-35 साल हो गया इधर। ओके, तो दोस्तों देखिए 20-25 साल से हमारे भाई काम कर रहे हैं और उनको सभी काम पता है, जो भी काम आप देंगे वो कर सकते हैं। मगर उनका आपका जो घर को कैसे जाते हैं, कितना दिन में एक बार जाते हैं गांव को? एक साल में। एक साल में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना परिवार के लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना घर परिवार के लिए वो काम करते हैं और काम करके वो कारपेंटर काम करके वो अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और देखिए ऐसा और एक भाई साहब, ये कटिंग मशीन है, वो कटिंग मशीन में वो लकड़ी को काटता है और काट के छोटे छोटे पीस करता है। और पहले ज़माने में ऐसा कटिंग मशीन नहीं था, जो कि इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ये कटिंग मशीन आ गया और इलेक्ट्रिक में कटिंग मशीन चलता है। और भैया देखिए ये और एक भैया हमारा दरवाज़ा बनाते हैं। और ये उनका ये किस में काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं जिसमें मार रहे हैं, ये जिसमें मार रही है, इसको क्या बोलते हैं? कुलीवाल बोलते हैं। और कुलीवाल में उसको छोटा छोटा पीस करते हैं और उसको काम करते हैं। देखिए ये गाड़ी वाली और ये रॉड में उसको मारते हैं, मार के वो जो हमारा दरवाज़ा वो बनाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा बलिस्टर शर्मा। बलिस्टर शर्मा। बलिस्टर शर्मा भैया जी, आप किधर से? बिहार से। बिहार से कितना दिन से हो गया इधर आके आप? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो आपके घर में कौन कौन परिवार है? सभी परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है। ओके, तो इतना दूर आके काम करते हैं, आपको कुछ दुख नहीं लगता है? नहीं नहीं, दुख क्या लगता है, काम करना है, किधर भी इधर काम मिला है। देखिए भैया वो काम करना है, काम उनका पहला पसंद है, किधर भी होने दो काम करना है और परिवार को प्रतिपोषण करना है, अपना परिवार के लिए काम करने के लिए ये लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। मगर ये लोग बाहर में देखिए, ये पूरा धूप है, बाहर का धूप में काम कर रहे हैं, कोई एसी नहीं है, कोई रूम नहीं है, बारिश है तो बारिश में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं और ठंडी में भी काम करते हैं। उनका काम भैया आपका कितने बजे स्टार्ट होता है? 9 बजे। भैया बोल रहे हैं 9 बजे से उनका काम स्टार्ट होता है और 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम चलता है। तो मैं उनको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। करेंगे वो कुछ ये भैया क्या है सभी? ये हम लोग जो डोर में घुसते हैं, ये वास्कल है, इधर में वास्कल बोलते हैं, इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद में इसको डोर फिटिंग करेंगे। इधर में विंडो है, उसमें राड मारेंगे, कम्बी राड उसमें मारेंगे, उसके बाद में वो जाएगा, फिट होगा, उसके बाद इधर ही शटर्स बनता है इसका, खिड़की सभी बनेगा। इधर में जा करके उधर सेटिंग करके सभी जो भी काम है घर का सभी काम हम लोग करते हैं, प्लाईवुड का, वुड का, क्या भी काम है सभी काम करते हैं। आपका नाम भैया? जी हमारा नाम रंजीत शर्मा है। आप किधर से? बिहार से। बिहार से। देखिए वो बिहार से आए, इतना दूर, 3000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर आके काम कर रहे हैं, उनका काम सीख गए और वो किधर भी जाएंगे तो अपना काम करेंगे। और आपका आगे जाके क्या करना है, कुछ आशा है आपका आगे जाके? आगे जाके क्या करेंगे, काम यहीं सीखे हुए हैं, यहीं काम करते रहेंगे। तो वो काम सीखे हुए हैं तो वही काम करते रहेंगे और आगे जाके भी वही काम करेंगे। और हमारे मेरा तरफ से मैं उनको लाख लाख सलाम करता हूँ। आपका नाम क्या है? महेश। महेश,
महेश जी, इधर ये जो मशीन है, ये मशीन के बारे में हमको थोड़ा बताएंगे, मशीन का नाम क्या है? प्लानिंग मशीन है। प्लानिंग मशीन है। प्लानिंग मशीन का काम क्या होता है? वो ये प्लानिंग करता है, वो पीस पूरा तो मशीन का ऊपर रख के प्लानिंग करता है। ओके, वो मशीन के ऊपर रख के प्लानिंग करता है। ओके ओके, ठीक है। ये भी देखिए, ये एक प्लानिंग मशीन है। ये पहला मशीन के होने के बाद ये सेकंड मशीन को आता है, और सेकंड मशीन में जो भी उसको प्लानिंग करना है वो प्लानिंग करता है। ये एक सेकंड टाइप का प्लानिंग मशीन है। वो दो मशीन के बाद ये तीसरा नंबर मशीन आता है, उसको बोलते हैं डिजाइन मशीन। वो फास्ट मशीन और सेकेंड मशीन हो जाने के बाद ये थर्ड मशीन को आता है डिजाइन के लिए। जैसे कि हमारा घर में सभी चीज़ आप देखते हो कि डिजाइन होते हुए, तो ये डिजाइन मशीन है। इस ये किस पे चलता है? इलेक्ट्रिक में चलता है? कैसे चलता है? वो घर पे डालने के लिए। घर नहीं नहीं कैसे चलता है? इलेक्ट्रिक में चलता है, डीजल में चलता है? वो वास्तव बनाता है। हाँ ओके, ये इलेक्ट्रिक में चलता है ये मशीन। और ये मशीन डिजाइन मशीन है। कितना बड़ा ड्रिलिंग मशीन है ये, इतने बड़ा बड़ा जो हमारा लकड़ी है उसको काटता है, और काट के उसको छोटा छोटा उसमें होल करता है, तो इसको बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। ओनर से बात करेंगे, कुछ दो लाइन बात करने के लिए बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। सर आपका नाम क्या है? सर नागेश। नागेश सर, आपको ये जो ओनरशिप है और ये जो कारपेंटर का काम कर रहे हैं, आपको कितने दिन हो गए इधर काम करके? सर वो छोटा ऑर्डर में दो दिन में हो गया, वो बड़ा ऑर्डर को एक वीक लगा है। ओके, तो सर आपका ये बिजनेस कितना दिन से चल रहा है? सर सेवन इयर्स। सर आपको तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा लेबर के लिए? लेबर तो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आप इतना दूर से लेबर लेके आते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होता होगा सर? पैसा का भी कभी कभी नुकसान होता होगा, कोई लेके चला जाता है पैसा, ऐसा भी होता होगा? पैसा देने को लेबर नहीं आएगा इधर। ओके, ज्यादा प्रॉब्लम है लेबर। ओके सर, आपको एक क्वेश्चन है कि सर आप क्यों ये बिजनेस को प्रिफर किए? क्योंकि बहुत सारा बिजनेस है इसमें तो बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, तो आप क्यों ये बिजनेस को प्रिफर किए? सर प्रिपेयर किया दैट टाइम वी डोंट हैव एनी वर्क द ओके सर दैट टाइम वी आर स्टार्टेड द दिस बिजनेस सो फ्रॉम फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ऑनवर्ड्स यू आर डूइंग दिस बिजनेस हां 7 इयर्स वी आर डूइंग सो सारी डूइंग 7 इयर्स योर बिजनेस एंड आई एम सैल्यूटिंग सर सारी डूइंग सो मेनी पीपल एंड दे आर मैनेजिंग एंड दे आर गिविंग सो मेनी थिंग्स टू द अदर्स पीपल लोगों का बहुत उपकार कर रहे हैं, लोगों का जो पसंद है। आज का ज़माने में लोग ये कारपेंटर काम करने के लिए उनको कोई पसंद नहीं करता, फिर भी सार अपना जो बिजनेस ये कारपेंटर के लिए किए हैं, तो सार को मैं लाख लाख सलाम करता हूँ। ओके सर, नमस्ते, थैंक यू।